Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. Welcome back to another reaction video. So, आज की वीडियो जिसमें मैं रिएक्ट करने वाला हूँ ताज खान ऑफिशियल व्लॉग। जी हाँ, ऐमन और मुज्तबा के साथ कहीं ट्रिप के ऊपर निकले हैं, हनीमून के लिए गए हैं और ये साथ पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या कर रहे हैं व्लॉग के अंदर। तो आपने कहीं नहीं जाना, ड्यूरिंग वीडियो स्किप नहीं करना, व्लॉग को पूरा देखना, ढेर सारा प्यार देना। दिस इज़ माय फर्स्ट रिएक्शन ऑन ताज खान व्लॉग, सो आपने ढेर सारा प्यार देना है। और चलो स्टार्ट करते हैं व्लॉग को, लेट्स मूव ऑन। ओके, टाइटल्स, लोट ऑफ फोटोज, वेलकम टू शताज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है ऐमन जमाल। आप क्या कर रही हैं पे? मैं तुम्हारे साथ बुरी तरीके से अपनी बंद कर देना। जो मैंने कहा था कि हमारे साथ गेस्ट करें कौन लोग जा रहे हैं, तो ये तीन जा रहे हैं हम लोग, एक ये एक ये, और इनके साथ अकेले तो जा नहीं सकती ना। आपके साथ आपके हस्बैंड भी है। ये सारे सीक्रेट्स खोल ले, सीक्रेट्स खोल दिए इसने। हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग ये नहीं बताएंगे। लेकिन लैंड तो एक ही जगह होना है, ठीक है? हाँ, तो हम ये नहीं बताएंगे वहाँ से आगे कहाँ। मरी सारे लोग जा रहे हैं, मरी जा रहे हैं, इत्तेफाक से मिले हैं यहाँ पर। यस यस, अचानक से मिले हैं, इत्तेफाक से हमारी सीट्स भी सेम। मैं समझ रहा था कि इकट्ठे मिल के जाओ, इत्तेफाक से इतना ज्यादा इत्तेफाक। खैर, इत्तेफाक से अभी जब हम जाएंगे तो लोगों को पता चलेगा। जब तक आप लोग गेस करेंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और दोबारा मरी, ऑफ कोर्स सभी लोग मरी जाते हैं, रात में मरी ही जाएंगे। मैं कह रहा हूँ जब भी गेस करोगे तो हम बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। तो चूंकि सुन ली आपने, बस ठीक है, फिर जब हम पहुँचेंगे तो बता देंगे। और पता नहीं क्यों इतना ज्यादा रश लगा हुआ है अभी भी, और हम लोग बैठे हुए हैं, गेट तो खुल गया है। चलो 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 गाइस, चलो। नई नवेली दुल्हन सेशन में बहुत जरूरी है फोटो सेशन इन लोगों का, लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है भाई, सीधी सी बात है। तो फाइन, मेरी हम प्लेन में बैठ गए, थोड़ी देर के बाद प्लेन उड़ेगा, पहले पीछे होगा फिर आगे जाएगा, फिर यू उड़ेगा ऐसे। विंडो सीट लेके बैठे हो आप? हाँ। आपको अच्छी लगती है विंडो सीट? क्या नजर आ रहा है बाहर? राइट व्यू नजर आ रही है, दुनिया दुनिया एयरपोर्ट, दुनिया नहीं है अभी, एयरपोर्ट की बात। क्या बात है, छोटे बच्चों की बातें भी बहुत छोटी छोटी और बड़ी प्यारी प्यारी। अभी जब उड़ोगे तब दादा नजर आएंगे, नजर आएंगे। आ गए आप लोग फोटो सेशन करवा के? यस, अभी लगाऊंगी। हाँ ओके, डन हो गया। मैंने कभी जिंदगी में ना अपना एयरपोर्ट फोटो सेशन नहीं किया, मैंने कभी जिंदगी में नहीं करा। लेकिन आप इन लोगों को वाह वाह फोटो सेशन देखेंगे, जाम सोच शोर की वजह से आवाज भी कम आ रही है। हमारा बच्चा देखो कितना जोश में, इनको देखो क्या हुआ। फैमिली के साथ सबर ना हुआ, क्या खा लिया? और ये सौगात इनको यहाँ कराची वाले, कराची वाले पान इतना क्यों खाते हैं यार? अगर कोई कराची का बंदा है तो मैं जरूर बताना, क्योंकि मेरे भी कई दोस्त हैं वो कराची वाले पान बहुत खाते हैं। मैं बबल खा रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, जस्ट जो है ना। क्या बात है, अपने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिए, हम सबका चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा वैसे इनका इन्होंने प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं स्टार्ट की हुई थी, ऐमन और मुज्तबा ने। क्यों नहीं लग रही?
क्यूट फैमिली यार, सीरियसली। एक छोटा सा बच्चा, क्या हुआ है? लेकिन एक नहीं, दो या तीन तो होने चाहिए। वापस साथ नहीं लेके जाऊंगी अपने। प्लेन की शोर की वजह से आवाज भी बहुत मिक्स हो गई। नाराज हो गया। फाइनली गाइस हम लोग इस्लामाबाद पहुंच गए। इस्लामाबाद हमारी फ्लाइट डेढ़ घंटे की थी, दो घंटे में हमें दो और हम लगेज के लिए खड़े हैं। लेकिन फ्लाइट अच्छी थी, सुकून वाली, कोई टर्बुलेंस नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम लोग बस ऐसे ही बैठे बैठे आ रहे हैं। पता ही नहीं चल रही है कोई। तो प्लेन पे ऐसे ही आता है, प्लेन उड़ रहा था तो हमें मजा आया, फ्रेंड लैंड किया तो मुझे कोई डर नहीं लगा। और अभी बस हम लोग लगेज ले ले, इसमें भी आधा घंटा लग जाता है ना, लेके और खुद तो बस ऐसे ही। सो गाइस ये था मेरा कुछ एयरपोर्ट लुक, ये मेरा एयरपोर्ट लुक था। और ये मैंने जो है ना वो आप लोग को रिवील ही नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत जल्दी घर से निकल गई थी, मतलब जल्दी नहीं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी मैं घर से निकल गई थी क्योंकि वो मुझे लेट हो रहा था और फ्लाइट जो थी वो हमारी 5:30 बजे की थी। मुझे खुद टाइम भी कन्फर्म नहीं था इसलिए मुझे किसी भी हाल में 4 बजे घर से जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं 4:30 बजे निकली इसलिए मैंने व्लॉग भी घर में स्टार्ट नहीं किया था और आके एयरपोर्ट पर स्टार्ट किया। और अब फाइनली जो है वो हम लोग इस्लामाबाद में आ चुके हैं और हम आज की रात बस इस्लामाबाद में स्टे करेंगे, उसके बाद हम कल जाएंगे सीधा आगे की तरफ। अब वो आगे की तरफ कहाँ जाना है ये पता नहीं, ये थोड़ा सा सस्पेंस है, मतलब सस्पेंस क्या है, लाइक मतलब जाएंगे वही बर्फबारी देखने के लिए ही जाएंगे, बट अच्छी जगह पे जाएंगे। अच्छी जगह पे क्या जाएंगे, मतलब कि जहाँ सब जाते हैं। खैर हो गई, बट अभी हमने जाना है खाना खाने, बहुत शदीद भूख लग रही है। सुबह से मानो कुछ भी नहीं खाया, नाश्ता तक नहीं किया हुआ मैंने, तो बिल्कुल नहीं किया हुआ, बाकियों का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो अभी बस इंतज़ार में बैठे हैं कि जल्दी जल्दी जाएँ खाना खाएँ, क्योंकि इतना लंबा सफ़र करके आओ, फिर गाड़ी में बैठ बैठ के भी बंदा थक जाता है और प्लेन में बैठ बैठ के थक जाता है। तो बस खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद नैप लेंगे, मतलब सोएंगे और सुबह उठ के तैयारी करके जाएंगे। क्या कर रहे हो, क्यों खेल रहे हो? एक बात है, उनका भी ब्लॉग मुझे देखा है, हेमंत का और विष्णु भाई का, उन्होंने भी नई स्टार्ट की है जर्नी लाइफ की। अल्लाह अल्लाह करके ये शख्स हमें खाना खिलाने ले आया है, बहुत मेहरबानी आपकी जी। देसी सौगात से आपको जो नवाजेंगे। ओहो, समोसा पापड़ी चाट गोलगप्पे बहुत नवाजेंगे। भाई की उर्दू अच्छी लग रही है, लेकिन भाई अपने व्लॉग में कमा रहे हैं। जान में जाना ही खाने के लिए, जब तक खाना नहीं आएगा तब तक नहीं आएगा जान में, जान बहुत भूख लग रही है। और सर्दी कैसी है इस्लामाबाद की? कराची वाले इतने भूखे क्यों हैं भाई? हीटर लगा के जो बैठी कल पता चलेगा। अभी भाई कराची वालों की बिरयानी और बड़ी मजे की अच्छी बिरयानी, अभी तो पैक होकर आए ना, अभी पैक होकर आए हम घर से अपना बंदोबस्त। जब भी मौका मिलता मैं छोड़ता नहीं हूँ बिरयानी। छोटे जम जाओगे अपनी जान देखो और बातें देखो, दिखाओ जरा बॉडी देखो, छोटे छोटे शोल्डर इनके 19-20 है। ये ख्वाब इसका बिचारे का बहुत पुराना है। ओहो हो, मुझे 15 साल हो गए। देखा ये इतना पुराना है, ये दोबारा इंसान बना भाई। अच्छा, मैं जब मैट्रिक में था तब भी ऐसा ही था ये। सही है।
ये दोनों की चलती रहेगी। गोलगप्पे और चाट पे फोकस। इसका मुंह भी थोड़ा सा बड़ा था। अरे तू सही खाता पीता आदमी हो भाई, मतलब क्या खाना छोड़। दादाजी क्या खा रहे हो? मुझे सही सही बता रहे हो लोगों को, तो मेरी ही औलाद हो। मुझे वैसे ही फील होना शुरू हो गया। खा कर दिखाओ। प्रॉब्लम हो गाइस, फाइनली वी आर होम और हमने खाना वाना सब खा लिया। उसके अलावा अब हम लोग बहुत थक चुके हैं और टाइम भी 1 बज गया है और इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा सर्दी है। हमने चेंज वेंज सब कर लिया, अब हम बस सोने के लिए रेडी हो रहे हैं। बस हम बिस्तर पर लेटेंगे और सो जाएंगे फटाफट से। ना चुचू आप भी सो रहे हैं ना? फटाफट से, बिकॉज के हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है और हम लोगों ने जाना है। जल्दी उठना है, जल्दी जाना है ताकि हम टाइमली पहुंचे और टाइमली वहां जाके एंजॉय करें, वट एवर वेदर देखें, बर्फबारी हो रही हो तो वो देखें। सो जिसके लिए हम स्पेसिफिकली आए हैं। तो होपफुली आज आप लोगों को व्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा और अगर आप लोगों ने एंजॉय किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा, बहुत बहुत सारा प्यार बरसाएं ताकि इसी तरीके से और भी व्लॉग्स जो है वो आपकी हम खिदमत में हाजिर करते रहें। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय। और उसके बाद शब खैर। एक बात बताऊँ, अब वरना तो मैं मरी नहीं बताता आप लोग को। चलो अभी हम लोग यहाँ पर रोड बंद करते हैं और हम लोग सोते हैं अपने बिस्तर में। ओके, अल्लाह हाफिज। शहताज का जो कलर, हेयर कलर है और उसने जो मैचिंग लिपस्टिक लगाई हुई है, काफ़ी ज़बरदस्त थी, कूल लग रही थी। और इस बेबी की जो बातें थी वो भी क्यूट थी। मैं ये कहूँगा कि इनको सजेस्ट करूँगा कि पूरा व्लॉग एक इन बेबी के ऊपर बनाएं, इनको कैमरा पकड़ा के कहें कि भाई तुमने ये व्लॉग कैप्चर करना है, तो आई डैम 100% क्या कमाल का व्लॉग होगा। छोटी छोटी क्यूट क्यूट प्यारी प्यारी बातें, बहुत ज़्यादा मज़े की कर रहा है। और बाकी अमन और मुज्तबा का भी आई थिंक सो कि वो भी व्लॉगिंग कर रहे थे, उनके चैनल यूट्यूब पे जाके हम देखेंगे कि उनका व्लॉग आया कि नहीं आया और वो किस तरह का। पहले तो व्लॉग चल रहा था लेकिन बहुत पुरानी वीडियो थी, टिकटॉक पे ज़्यादा वो फोकस कर रहे थे, तो उनका इनके साथ पैचअप होना या एक प्री प्लान या जो भी है बहुत मज़े का था। और बड़ी प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी फैमिली है और ये एक फैमिली व्लॉग मुझे लगा था, मतलब टच आ रहा था फैमिली का जिस तरह ये बातें कर रहे थे। बाकी व्लॉगर से थोड़ा सा डिफरेंट था, तो देसी टाइप जिस माहौल का होता है ना वैसा था, लेकिन मॉडर्न भी था। खैर व्लॉग मुझे अच्छा लगा, होप्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आप इनके फैंस हैं और आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट ऑन माय रिएक्शन वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय रिएक्शन वीडियो और इस रिएक्शन को आपने ढेर सारा प्यार देना है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको उनका व्लॉग और मेरा रिएक्शन कैसा लगा। सो आज के लिए नेक्स्ट मिनट अगले रिएक्शन वीडियो में, तब तक मुझे इजाजत दीजिए, टेक केयर, बाय बाय, पीस ऑफ, अल्लाह हाफिज़।